जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जी काशिफ जमान खान है। मैं क्राइम रिपोर्टर रोजनामा बैठक मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। ये वकूआ मोरखा 17/6/2022 की तकरीबन दोपहर का वकूआ है कि एक 15 कॉल पुलिस को वसूल हुई, जिसमें एक शजा शादिया शहजादी नामी खातून ने पुलिस को इतला दी कि उसके साथ A1 होटल में गन पॉइंट पर असले के जोर पर ज़बरदस्ती जनाब नीचे पर हुआ है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचकर कमरे से एक मर्द जिसका नाम शेख ताहिर है उसको हिरासत में लिया और खातून के हमरा थाने पहुंच गई। बाद में मालूम हुआ कि शेख ताहिर, जो कि एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी बलदियात बहावलपुर सरकारी मुलाजिम हैं, और उन्होंने खातून ने अपने बयान में बताया जी कि 4 या 5 माह से मेरा बजरिया किसी दोस्त लड़की के इनसे रब्ता हुआ था, जिस पर शेख ताहिर ने उनको नौकरी का झांसा देकर व्हाट्सएप के जरिए कोऑर्डिनेट करते रहे आपस में, और उसके बाद उनको मुल्तान आने का कहा अपने डॉक्यूमेंट्स के हमरा के मुल्तान में जिस जगह पर उन्होंने उनकी नौकरी लगवानी है वहाँ पर उनके मालकान से या उस बंदे से मुलाकात करवानी है जहाँ पर उनकी नौकरी लगवानी है, और मैं भी बहावलपुर से मुल्तान आ रहा हूँ तो आप भी मुल्तान आ गए। तो मैं ड्राइवर टर्मिनल पर पहुँची जहाँ पे पहले से मौजूद शेख ताहिर अपनी गाड़ी पर मौजूद थे, और उन्होंने मुझे अपने हमरा साथ दिया और A1 होटल आ गए। यहाँ पे कमरा नंबर 107 में मुझ पर असला निकाल कर और गन पॉइंट के जोर पर मेरे कपड़े उतरवा कर ज़बरदस्ती मुझसे जना किया, और जिसके बाद मैंने 15 कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुँच कर मुझे अपने हमरा शेख ताहिर के अबला थाने लिए। ये हुआ FIR के थ्रू दर्ज हुआ। FIR का जो मतन था ये इस औरत ने बयान किया, इस पर पुलिस ने FIR मेडिकल के लिए खातून से मुतद्दिद बार कोशिश की, जिसने अपना नाम शाजिया शहजादी बताया कि आप अपनी आईडी कार्ड उसे दें ताकि हम आपको मेडिकल करवा कर मुकदमे का इंदराज कर सकें, जिस पर खातून गिला बहाना करती रही और उसने शुरू के 5 डिजिट गलत बताए और बकाया डिजिट सही बताए और असल शनाख्ती कार्ड देने से गुरेजा रही, जिस पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून का जना का पर्चा दर्ज किया और शेख ताहिर को हिरासत में ले लिया। बाद में कहानी में इस तरह ट्विस्ट आया कि जब पुलिस ने शादिया शहजादी के असल नाम और आईडी कार्ड के ऊपर तहकीकात शुरू की तो जराए से मालूम हुआ पुलिस को अपनी तहकीकती इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से मालूम हुआ कि शाजिया शहजादी का असल नाम उस्मा शहजादी है, जो असल हकाइक पुलिस से छुपाती रही। चूँकि उस्मा शहजादी असल में प्रोफेशनल ब्लैकमेलर और सेक्स गर्ल है, जो ऑलरेडी जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में जैसा कि रहीमिया खान, बहावलपुर, लोधरा में आला अफसरान, आला ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के ऊपर इस किस्म के मुकदमात का इंदराज करवा चुकी है और उनको ट्रैप करके उनको कई मुकदमात पर फंसा कर नौकरियों से फारिग करवा चुकी है, जिसके बाद में इफ्ज में वो उनसे भारी मुआवजा भी वसूल करती रही है, जिसकी वजह से उस्मा शहजादी असल शनाख्ती कार्ड पुलिस को हवाले नहीं कर रही थी, ना ही अपना असल नाम बता रही थी। बार बार जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से उसका असल नाम और आईडी कार्ड तक रसाई हुई तो उसके बाद उसके सारे हकैक पुलिस के सामने आए, जिस पर पुलिस ने आज उस्मा शहजादी पर बजुर्म 420, 471, 468 के तहत एक फ्रॉड और पुलिस को गुमराह करने का पर्चा दर्ज किया, जिसके बाद उसको हिरासत में लेकर थाना मोहन सेंटर में मुंतकिल कर दिया। आज उस्मा शहजादी को और शेख ताहिर डिप्टी सेक्रेटरी बलदियात बहावलपुर को दोनों को मुल्तान की फाजिल अदालत मोहम्मद जनाब मोहम्मद जिक्र साहब की अदालत में पेश किया गया, जिस पर इस शातिर खातून ने अपना मौकफ जैसा के आगे बयान करते हीला वसीला बहाने से मुख्तलिफ मौकफ इख्तियार करती रही कि मेरे बच्चा है, मेरा बच्चा जो है वो अकेला है, मेरा पीछे कोई भी नहीं है, पुलिस ने मुझे फिर से ज्यादती की है। तो फाजिल अदालत ने मुतासरा खातून से सवाल किया कि क्या आपके साथ शेख ताहिर ने ज्यादती की है, जिस पर उनका क्या कहा कि ज्यादती मुझसे हुई है लेकिन मैं किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहती।